स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे www.shivshankarblog.online, ये होगी एडमिन पैनल, और यहाँ पर हमको आईडी पासवर्ड डालना है, ठीक है। बन गया पासवर्ड, आ गया। सबसे पहले इसमें हम लोग सीखते हैं सेटिंग। जैसे अभी हम लोग का वर्डप्रेस ऐसा दिखता है, ठीक है, तो हम लोग पहले सेटिंग करने सीखेंगे कि सेटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो ये पेज हम पूरा डिलीट कर देंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए सर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना कि ये आपको पूरा सादा करना है, इसको हटा दीजिए पहले, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाइएगा। यहाँ से देखिए सब कुछ नहीं है, एकदम सादा है। अभी आपको देखिए प्लगइन सेक्शन में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन, और यहाँ पर से कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं है। एप्रिसियंस में जाइएगा, थीम में, ये वाला थीम इंस्टॉल किया हुआ है फोटोब्रास्ट, ठीक है। तो अभी पहले समझिए कि ये यहाँ एक एक ऑप्शन हम सब बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, मान के चलो कि तुम कुछ वर्डप्रेस में कोई काम कर रहे हो, तुमको वापस फिर आना है तो डैशबोर्ड में आ सकते हो, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, वर्डप्रेस 2014 या 2015 में आया था, जिसमें वो आया था उसमें सोचो कैसा है, अभी में बहुत फीचर अंतर है। तो यहाँ अपडेट बार बार आते रहता है, जब भी तुम्हारा अपडेट आएगा ना तो एक बार अपडेट करना और छोड़ देना। वर्ड अपडेट से क्या फ़ायदा है ना कि जो फीचर नया आया है ना वो एक्टिवेट हो जाता अपने आप। तो अपडेट पर क्लिक करिएगा, और जब अपडेट पर क्लिक करिएगा उस समय कुछ नहीं करिएगा, कोई काम नहीं है, पहले अपडेट लेगा तभी कुछ करना है, नहीं तो फिर इरर मार देगा। इसलिए अपडेट पर क्लिक करिएगा तो उसमें कोई चीज़ पर एक्टिव नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ से अच्छा समझना, फिर से बता रहे हैं, डैशबोर्ड जब तुम वर्डप्रेस में काम करो, एक बार अच्छा से बढ़िया से वर्डप्रेस पढ़ लेगा ना बाबू, तो तुमको फ़ायदा क्या पता है, सीएमएस का कोई भी प्लेटफॉर्म पर तुम अच्छा से वेबसाइट बना सकते हो, सिर्फ वर्डप्रेस में ही नहीं। जैसे विक्स है, जैसे तुम्हारा शॉपिफाई है, सब में बना लेगा। डैशबोर्ड सबका सेम होता है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग सर्विस के लिए शॉपिफाई का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ अपडेट हो गया, उसके बाद पोस्ट, जैसे कोई वेबसाइट में ब्लॉग लिखाता है ना, तो जो ब्लॉग लिखाता है वो पोस्ट क्रिएट किया जाता है। अभी जैसे तमस जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर रहा है बैठ कर, जैसे यहाँ जाना ब्लॉग सेक्शन में, ब्लॉग ग्रिड में आ जाना, नीचे आ जाना, देखो जैसे व्हाट इज कैनवा, इस पर ब्लॉग लिखा है, कैनवा क्या है, कैनवा मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कैनवा कैसे है, ये सब देखो कैनवा पर लिखा है, कितने फीचर है, ये सब लिखा है। तो ये सब पोस्ट क्रिएट किया जाता है। तो पोस्ट कहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ से क्रिएट होता है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट हो, वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉग बनाना पड़ता है, जब भी वेबसाइट बनाए तो एक ब्लॉग सेक्शन जरूर होता है। आज के वेबसाइट में आजकल जितना भी वेबसाइट बनता है ना, सब एक ब्लॉग सेक्शन होता है। जब तक वो सेक्शन नहीं रहेगा तुमको कोई फायदा नहीं होगा, मतलब तुम्हारा वेबसाइट ग्रो ही नहीं करेगा। जैसे कल मेरे पास एक इंक्वायरी आया अकाउंटिंग का, तो हम इसमें अपना वेबसाइट में सेक्शन बना कर रखे हैं अकाउंटिंग, तो उसमें गया देखा तो आज इंक्वायरी आएगा। तो यहाँ पर तुमको कम से कम एक नहीं तो दो, मिनिमम एक ब्लॉग तुमको डेली लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद मीडिया, जैसे कोई फोटो है, कोई वीडियो है, अगर अपलोड करना है तो तुम मीडिया से अपलोड वीडियो कर सकते हो, कोई फोटो है या कोई वीडियो है। नहीं, पूरा वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लाइब्रेरी है। तो यहाँ से मीडिया जैसे ले लिया, तो जो फोटो अपलोड करना है, जैसे 50 को फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ जाएंगे एक बार में सब फोटो ले लेंगे। अरे ये तो
सो समझ में आया, ऊपर से बाहर ही जाएगा। ठीक है बैठो इधर, बैठने दे, बहुत देरी से वेट कर रहा है। इधर आ, इधर इधर बैठो। देखो तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि तुमको पहले यहाँ से क्या करना है, मीडिया में जाना, मीडिया में दे लेना सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से जो भी फाइल तुमको पसंद है, जैसे फ़ोटो जो लेना है अपना फ़ोटो ले लो, जैसे आ गया था वो कथी लक्ष्मी जी का फ़ोटो, तो यहाँ से तुम मीडिया से फ़ोटो ले सकते हो। फिर पेज बनाना रहेगा कोई वेबसाइट के लिए, अगर पेज का ज़रूरत है तो यहाँ से तुम पेज बना सकते हो, क्योंकि बिना पेज के बनाए हुए तो कोई तुम्हारा कोई काम होगा नहीं। तो जो पेज बनाना है वो यहाँ से तुम पेज बना सकते हो। फिर कमेंट सेक्शन यहाँ दे दिया है, ये फालतू है। एप्रिसियंस में तुम थीम इंस्टॉल कर सकते हो, एडिटर फाइल है यहाँ से तुम थीम को एडिट वगैरह कर सकते हो। प्लगइन सेक्शन में जैसे हम बोले थे कि अगर मान के लो तुमको कोई वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए तुमको ये प्लगइन के सहारे इसमें वेबसाइट बनाना है। प्लगइन मतलब वो क्या है, जैसे तुमको चिकन खाना है तो दो तरह का उपाय है, एक तो तुम अपने से चिकन लाओ और बनाओ और खाओ, और नहीं तो रेस्टोरेंट में जाओ और बना खाओ। रेस्टोरेंट में देता है बना हुआ, रेस्टोरेंट वाला देता कैसे पता है तुम लोग ये बात? बना वो चिकन को पहले भून के रखता है और बना के रखता है, और जैसे जाते हैं वैसे ही बना के ग्रेवी बना कर दे देता है। ग्रेवी बना हुआ रहता है, खाली मिक्स कर देता है। तो वही चीज़ है कि प्लगइन वही चीज़ हुआ कि तुमको अगर मान के लो व्हाट्सअप चलाना है तो व्हाट्सअप का प्लगइन डाल दो। जैसे बहुत सारा ऐसा क्लाइंट मिलेगा जो बोलेगा भैया हमको व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप भी वेबसाइट में दिखना चाहिए, तो तुम क्या करेगा, तो व्हाट्सअप का प्लगइन डालो। कोई बोलेगा कॉन्टेक्ट अस का, कोई बोलेगा लीड फॉर्म का, कोई बोलेगा पॉपअप का, कि जैसे कोई वेबसाइट खुले तो पॉपअप आ जाए। फ्लिपकार्ट में होता है, फ्लिपकार्ट में देखना पॉपअप आता पहले। तो वो सब प्लगइन से हो जाएगा? हाँ सब प्लगइन से। और जो टेक्स्ट के पीछे लिंक लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लगइन नहीं? वो तो लिंक ऑप्शन है। व्हाट्सएप का यहाँ बटन दिखेगा लोगो, क्लिक करेगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लैंड कर जाएगा। यहाँ मेरे को पॉपअप आ जाता है, लॉगिन भी तो पॉपअप ही है। हाँ नहीं पॉपअप नहीं, नहीं पॉपअप नहीं, पॉपअप नहीं, पॉपअप आता है ऐसे। हाँ तो बिजनेस में आता है। ठीक है, उसके बाद तुम प्लगइन हो गया, यहाँ से तुम किसी और दो चार को यूजर बनाना चाहते हो, तीन चार को यूजर, जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं हम तीन आदमी को देने देना चाहते हैं परमिशन कि आप भी चलाइए, वो भी यूज कर सकता है, वो भी यूज कर सकता है। यहाँ हाँ मेरा वर्डप्रेस में कौन कौन जा सकता है, तो यहाँ से यूजर आईडी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर टूल्स में सब कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वेबसाइट तुम देखता है ना, जैसे ये देखो वेबसाइट है, ठीक है, जैसे तुम यहाँ लिखा flipkart.com, तो ये थीम, ये वेबसाइट जिस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये वेबसाइट दिख रहा है, ये एक थीम है। थीम के कारण देखो कैसे जा रहा है, क्लिक करो, मतलब फ्लिपकार्ट से तुम टिकट भी बुक कर सकते हो। नया आ गया था ट्रैवल एक्सप्लोर पेज में, एक्सप्लोर पेज में नया ट्रैवल वाला आ चुका है। रिचार्ज बनाना बाकी है, वो ला देगा कौन से मोटो, ये भी फोन बिकने वाला है 19,000 का है। मोटो फलनमा, मोटो ढेकनमा, बहुत सारा फोन आ रहा है, खाली रैम उम चेंज कर देता, बड़ा बनाता पब्लिक को, बोलता है 5,000 बैटरी का एमएच रहेगा, क्या फायदा एमएच बैटरी, एक दिन तो चल भी नहीं करता है। तो देखो क्या क्या लिख दिया है, i5 4 फलना ढेकना,
ठीक है, लेने वाला लेवे करेगा। तो सबसे पहला काम है थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। तो थीम के बारे में यहाँ से एप्रिसेंस में जाओ और क्या लिखा है, थीम, थीम पर आ गया। थीम में जाने के बाद पहले सब थीम को हटा दो, तुम इंस्टॉल किया था क्या, आईडी पासवर्ड तुम्हारा चेंज कर देंगे, तुम्हारा पैसा दिया कैसे दिया अब देखो यहाँ सर्च मारो, ए हेलो, इसमें जो थीम इंस्टॉल करेगा उसका नाम है ओशन डब्ल्यू पी। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट आ गया इसका प्लगइन अपने आप। एगो जैसे कोई थीम इंस्टॉल करिएगा सर, इसके साथ प्लगइन आ जाएगा। अब इसको भी एक्टिवेट कर लीजिए, एक्टिवेट हो गया, अलार्म मार दीजिए, हो गया। अब जैसे इंस्टॉल करिएगा थीम, कैसे कैसे किए लिखवाए थे क्या, तो तुम्हारे इतना तेज रहता तो फिर कमाने नहीं लगता तुम्हारे इतना। धरती ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है कर लीजिए, हाँ ले लीजिए, क्या करिएगा। टाइमिंग 11 से 2 बोल दीजिए, 11 से 2 ऐ सॉरी पागल है क्या, उसको पूछ लीजिए क्या बजे टाइम लेगा। हाँ तो 10-11 बजे दीजिए, 9 बजे के बाद दीजिए, 10 बजे के बाद दीजिए। अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ इंस्टॉल डेमो, लिखा है इंस्टॉल डेमो, यहाँ क्लिक कर दीजिए, नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पर जैसा थीम बनाना है, वेबसाइट बनाना है ना, फिर आपको बस वैसा ही लेना है। अभी देखो ना बना रहे हैं, हवाड़ा कर जंगल में, क्लिक ऑन डब्ल्यू पी इंस्टॉल डेमो, हो गया। डेमो पर क्लिक करिए, कैसा वेबसाइट बनाना है सर, देखिए यहाँ सब दे दिया है। ब्लॉग वेबसाइट बनाना है, वन पेज वेबसाइट बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनाना है, क्या बनाना है बोलिए। जिम का वेबसाइट बनाना है, ले लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे इंपोर्ट पर लगाइएगा ना, कुछ प्लगइन आएगा, जैसे कि आपका ओशन एक्स्ट्रा, ओशन ये इंस्टॉल कर दीजिएगा, एलिमेंटर इंस्टॉल कर दीजिएगा, डब्ल्यू पी फॉर्म अननेस्ट कर दीजिएगा, और फिर नेस्ट करिएगा, ऑटोमेटिक वेबसाइट बन गया। हाँ अब तुम लोग को एडिट करके दिखाएंगे कि कैसे एडिट करेंगे। अब एडिट हाँ बस, अब किसी का जिम है, मान लो बगल में जिम खुल रहा है, उस वो बोला कि हमको वेबसाइट बना दीजिए रोशन सर, चलिए ठीक है, हम यही वाला थीम इंस्टॉल कर दिए, अब उसका जिम बनकर रेडी, वेबसाइट जिम का रेडी। ये देखो बन गया जिम, ये देखो कैसा लग रहा है जिम का वेबसाइट, सब होगा चेंज, देखो ना सब सब। अब यहाँ से जाओ, पहले डैशबोर्ड में आ जाओ, क्योंकि डैशबोर्ड में आना जरूरी है। अब हम लोग के पास एक प्लगइन आया है जिसका नाम है एलिमेंटर, क्या आया है एलिमेंटर, एक प्लगइन है जिसका काम क्या है सर, कि आप जैसे एमएस वर्ड में पेज बनाते हैं ना, उसी तरह से वेबसाइट का पेज बिल्डर है। जैसे तुम जो किसी का थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके नहीं कर लेते हो, वो सब एलिमेंटर में बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो
तो देखो वेबसाइट बनकर रेडी हो गया कितना जल्दी, देखो रे देखो भाई कितना है वेबसाइट बन गया पता है, 10,000 का। आपने इंटरनेट ले लिया? नहीं उसे लिया नहीं। देखो अब यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाओ। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों की हाउ टू चेंज द फोन। हेलो हाँ सोनू बोलो। मिल जाएगा 800। हाँ फोटो और आधार कार्ड भेज दो। इसी हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ 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 मिल जाएगा ठीक है। देखो ये देखो हाउ टू, आज तुम लोग वेबसाइट बनाने सीख जाएगा आज ही। अब देखो हाउ टू एडिट द वेबसाइट, वेबसाइट को कैसे हम एडिट करेंगे। सबसे पहले तुम लोग को यूज करना है चैट जीपीटी। क्या यूज करना है? चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी से टोरा टोटल वेबसाइट का कंटेंट लिखवा देंगे और हमको कुछ भी नहीं करना, कंटेंट उठा डाल देंगे और AI इमेज जनरेटर से इमेज बनाकर दे देगा और इमेज भी डाल देंगे सब कुछ। एक घंटा के अंदर तुम लोग हम एकदम जिम का वेबसाइट बनाकर दिखा देते हैं ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ से, लिखिए मत सर, खोल देंगे चैट जीपीटी। सीखो चैट जीपीटी का एक AI टूल से चैट जीपीटी से लोग ब्लॉग भी लिखता है। हाँ तो कमर्शियल लिखा जाता है, वो लिखने का आइडिया होना चाहिए। आप सोचिएगा कि पूरा चैट जीपीटी से पूरा कर देता है खाली खुद से, नहीं तो नहीं होगा, नहीं रैंक करेगा। आप उससे सिर्फ आउटलाइन निकलवा सकते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा तो भी रैंक नहीं करेगा। कमर्शियल ब्लॉग नहीं बनेगा सर, कमर्शियल ब्लॉग बनेगा उसमें फायदा हानि क्या होगा ना, कि जैसे आप डिटो उठा उठा कॉपी पेस्ट कर दी, वो तो अपने तो क्या फायदा, तो रैंक कैसे करेगा वो? आपके मन में लग रहा है कि रैंक कर रहा है, मन में खाली आपका लगेगा, लेकिन बहुत सारा वेबसाइट हम सिखाएंगे मेरे पास टूल्स है कि आपका वेबसाइट कितना नंबर पर रैंक कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। मेरा वेबसाइट धनबाद में 2 नंबर पर रैंक करता है, पूरे धनबाद में। हाँ 2 नंबर पर रैंक करता है। वो अब रैंक करता तो सब कीवर्ड पर नहीं रैंक करता है, कुछ कुछ कीवर्ड पर रैंक करता है, तो हम जानते हैं कि कौन कौन कीवर्ड पर रैंक करता है। अब सोचिएगा कि हम चैट जीपीटी से लिखा पूरा डाल दिए तो नहीं होगा। आजकल तो चैट जीपीटी पर लोग काफी यूज कर रहे हैं। तो सर हम भी यूज करते हैं, हम रात को 2 घंटा डेली पढ़ते हैं चैट जीपीटी से, 2 घंटा डेली पढ़ते हैं हम। क्यों, हम सीधे लेते हैं लैपटॉप, खोलते हैं चैट जीपीटी, जो मन में क्वेश्चन आया डाल दिए, उसके बाद डालते रहे। लेकिन अब बहुत को प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आता है। अब सीखिए प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। अभी अगर आपको वेबसाइट बना लेती है तो क्या लिखिएगा यहाँ पता है? तुम लोग क्या लिखेगा बताओ, तो तुम क्या लिखेगा? हो गया खत्म, बस एकदम ऐसे ही, एकदम ऐसे लिख देगा, आंसर गलत दे देगा। लिखेंगे एक्ट IMA वेबसाइट डेवलपर, एक्ट IMA वेबसाइट डेवलपर, आई वॉन्ट टू जनरेट द जिम वेबसाइट इन धनबाद लोकेशन ऑडियंस। सो प्लीज गिव द प्लीज गिव द हाउ मेनी पेज क्रिएट इन दिस वेबसाइट्स इंटर। अब सब कुछ दे देगा हमको, नहीं आता नहीं आता। हम इसको क्या पूछे, हम इससे पूछे कि सर हम IMA वेबसाइट डेवलपर,
बोले कि हम एक वेबसाइट डेवलपर हैं, ठीक है, एक्ट आई एम ए वेबसाइट डेवलपर, आई वॉन्ट टू जनरेट द जिम वेबसाइट इन आवर, हाँ, और अगर वर्ड प्रेस लिखते ना तो हमको कौन कौन प्लग इन, यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, हम इसको कैप कर देते हैं, आई वॉन्ट टू जनरेट द जिम वेबसाइट इन वर्ड प्रेस फोर धनबाद ऑडियंस, फोर धनबाद लोकेशन ऑडियंस, ठीक, अब इंटर मार, ये हमको सब बना कर लिख दिया, ठीक है, अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, होम पेज लिखेंगे, इन होम पेज हाउ मेनी सेक्शंस, गिव द टेबल फॉर्मेट, देखो होम पेज में क्या क्या लिखाना चाहिए सब दे दिए, यूज करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉम्प्ट लिखने का भी नहीं, तुम्हारे पास कला होना चाहिए, हाँ हाँ दे दो पैसा है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है कल दे देंगे, छोड़ दो, बोले मंडे को दे देंगे, बोलो मंडे को मिल जाएगा, ठीक, हो गया, अब देखो अब हम लोग जाएंगे टूल्स बीजी में, जो ये हम खरीदे हुए हैं यहाँ चले गए, और हमारे पास बहुत सारा मतलब खरीदे हुए हैं, तुमको कुछ भी मेहनत नहीं करने का वेबसाइट बनाने में, आधा घंटा में वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगा, आई स्टॉक में आ जाओ, यहाँ पर क्लिक कर दो, और ये आई स्टॉक को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ ला के आई स्टॉक को पेस्ट करो, और यहाँ से आई स्टॉक को खोल करो, आ गया, अभी वो और है नीचे, यहाँ पर ही बैक करो, और यहाँ से ले लो एक है एआई इमेज जनरेटर, आ गया, इसको भी खोल, फिर बैक करो, फिर नीचे आ जाओ, एक है एलमाटो एलिमेंट, देखना तो एलमाटो एलिमेंट लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर क्या आ गया, खुल गया, अब कुछ नहीं करना, अब हम सबको सबसे पहले ये जो जिम का वेबसाइट है उसको हम एडिट करेंगे, तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर हम लोग शिव शंकर लिखा हुआ है ना, उसकी जगह जिम का नाम लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्लिक ऑन राइट द वेबसाइट नेम, क्लिक ऑन सेटिंग, क्लिक ऑन जनरल, ठीक है, फिर राइट द वेबसाइट नेम जैसे लिख देते हैं एबीसी, क्या जिम का नाम कोई बोल दो, फोर्ट जिम, ठीक ठीक बोल रहा, फिटनेस जिम, हो गया, ए हल्ला नहीं, सीखो, कॉपी कर लो, प्रेजेंस में जाओ, यहाँ से आ जाओ, सबसे पहले आइएगा सर यहाँ से सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा रीडिंग में, जनरल में, हाँ सॉरी जनरल में, और यहाँ पर लिख दीजिएगा फिटनेस जिम, ठीक है, अब यहाँ पर से कॉपी करिए इसको,
और ले लीजिएगा इसका टैगलाइन हमको चाहिए, टैगलाइन देखो आ गया टैगलाइन भर दिया गया। कॉपी कर लिए और यहाँ टैगलाइन आया ना, पेस्ट कर लिए, फिर नीचे आइएगा यहाँ और यहाँ ले लीजिएगा इंडी कोलकाता, इंटर मार दीजिएगा ठीक है, और नीचे आइएगा कर दीजिएगा सेव है। सर हम लोग कोलकाता जोन में है, इलाहाबाद अलग हुई है, यहाँ कोलकाता जोन लेता है, हो गया। यहाँ दिख रहा है सो यहाँ जाओ, पूरी डायरेक्ट कभी कभी होता है ना तो दिखता है, ऐसे तुम थीम पर डिपेंड करता है क्योंकि थीम में टैगलाइन पूरा दिखेगा तुम्हारा। होता है कोई कोई थीम में वही डालेगा तो लेगा, और नहीं तो टैगलाइन के आधार पर भी तुम्हारा वेबसाइट रैंक करता है। मान के चलो कोई उस तरह का टैगलाइन लिख दिया उससे रिलेटेड और तुम्हारा वेबसाइट में टैगलाइन डाला हुआ था, कहीं पर भी डाला हुआ था तो रैंक कर जाएगा, मेरे को समझा। अब हमको क्या करना है, उसके बाद अब हमको जाना है पेजेज में और ऑल पेजेज में जाना है। यहाँ क्लिक किए देखो तुम्हारा कैगो पेज है, होम पेज है ना, यहाँ व्यू करके देख लो होम पेज, यहाँ पर आ गया पेज, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ जाना है सर डैशबोर्ड में, ठीक, अब पेजेज में जाइएगा और ऑल पेजेज, ठीक है। ठीक है, अब अभी आपको करना है एडिट, क्या करना है आपको एडिट, तो देखिए लिखा हुआ एडिट विथ एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर एक प्लगइन है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पेज को एडिट कर सकते हैं और पेज बना भी सकते हैं, आ गया। अब यहाँ से कर दीजिएगा सर कंटिन्यू और यहाँ से अभी इसको काट दीजिए, आ गया देखिए सेक्शन। अब आपको जो लिखना है यहाँ लिखिए, ठीक है, तो जो टैगलाइन लिखे थे वही टैगलाइन को लाकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आ गया। अब यहाँ लिख दीजिएगा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोच, यहाँ पर डाल दीजिए, क्या नाम धरे थे आप, फिटनेस, सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखिएगा फिटनेस, एफ आई टी यानी फिटनेस, और फिटनेस क्या था, फिटनेस फिटनेस फर्स्ट, सर जो टैगलाइन दिए है ना वो बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, वो सूट करेगा। बोलिए, बाप रे बाप, ऐसे क्लास होता है जी, फिटनेस सेंटर लिख दीजिए, फिटनेस फर्स्ट जिम, हो गया फिटनेस फर्स्ट जिम लिखा गया। और ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करो, यहाँ जाओ यहाँ पर से क्लिक करो और थोड़ा साइज बड़ा करो, ठीक है। यहाँ पर एक टैगलाइन दूसरा ले लो, आ गया स्ट्रॉन्गर एवरी डे,
अब यहाँ पर मेक अपॉइंटमेंट की जगह एक लिंक डाल दूँ, क्या चीज़ का लिंक डालेगा कि भैया आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो हम एक गूगल फॉर्म्स बनाएंगे और ऊपर लिंक डाल देंगे। यहाँ जाएंगे गूगल में, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 9 डॉट में जाएंगे, गूगल फॉर्म्स में आ गए। अब यहाँ से ये कस्टमर का फीडबैक है सर, इवेंट रजिस्ट्रेशन यही ले लीजिए। ये फॉर्म आपको बना बने मिल जाएगा, बस लिंक में जाइए, यहाँ यहाँ लिंक को कॉपी ले लीजिए, बस हो गया। अब यहाँ जाइए सर, यहाँ पर लिंक ला के पेस्ट कर दीजिए और अपडेट मार दीजिए, यहाँ जितना आप किए थे हो गया। अब हमको ये जो फ़ोटो है ना पीछे का, ये हम चेंज करना चाहते हैं, इसमें मेरा फ़ोटो रहेगा, तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए, क्या लिखा है स्टाइल, अब आ गया ये फ़ोटो, ये पर क्लिक करिए। अब ये अपलोड जाइए मीडिया लाइब्रेरी में, अब देख लीजिए कि फ़ोटो का साइज कितना है, यही फ़ोटो है ना, कितना है 1400x933। अब यहाँ जाइए आइए स्टॉक में, लिखिए जिम, इंटर मार दीजिए, जिम से रिलेटेड देखिए फ़ोटो आ गया, लिख दीजिएगा इन इंडिया। जो भी लेना है ठीक आ गया। इसमें देखो आई स्टॉक लिखा हुआ है ना, इसको लिंक को खाली कॉपी करेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर ये वाला खोलेंगे, यहाँ लिंक बटन पेस्ट कर दी। तुम फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकता है स्टॉक, उसके लिए पैसा लगता है। हम तो देखा नहीं अभी अपना टूल्स बीजी से खोले और डाउनलोड इमेज में गए, आ गया देखो फोटो डाउनलोड, कितना एमबी का फोटो है। तो फ्री वाला इमेज डाल सकता है, लेकिन जो तुमको पैसा दे रहा है 7000-10000 वेबसाइट का, उसको जो सो चिपका के दे देगा तो फिर बोलेगा ना भैया ये तो हम दूसरा का वेबसाइट पर भी देते हैं, वो फट जाएगा ना फ्री वाला में, इसमें फटेगा नहीं ना, मोबाइल में खोलेगा तो कुछ और दिखेगा, फ्री का चक्कर में तुमको 10000 रुपये फ्री का दे रहा है, कुछ नहीं होगा देखो तुम्हारे सामने, फ्री का चक्कर में रहेगा तो बाबू नहीं होगा तुमको कोई, जो प्रोफेशनल काम करता है जैसे जिसका जी में सुरत जो ट्रेनर है वो अपना पिन फोटो देना चाहेगा, फिर लंबा लफड़ा जाएगा, बढ़िया फिर बढ़िया अच्छा से फोटो खिंचवा कर के दे सकता है सर डीएसएलआर पर, तब नहीं ना फटेगा नहीं, तो देगा तब ना, 90% नहीं देगा उसको, जो पांच मिनट में बना देगा वही बड़ा बात है, तुमको फोटो वाले अपना लगा दिया जाए, आपको नहीं बनेगा जिम में कोई ना चाहिए। यहाँ का आदमी अगर जिम वाला वेबसाइट बनाएगा ना तो सिर्फ शो के लिए 5000 रुपये दे दिया, बहुत बड़ा बात है। फोटो बाद में डालेंगे, अब नीचे आ जाओ, अभी सेक्शन आ गया। हाँ अब देखो, पहले अगर चाहते हो कि सर इस पर ये एनिमेट होके आए तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एडवांस, एडवांस पर आ गया, यहाँ क्लिक करोगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोशन इफेक्ट, यहाँ पर जाओगे और जैसे डिफॉल्ट है तुम ले लोगे, मान के चलो यहाँ से जूम इन ऐसे हो, फिर कर दोगे यहाँ से जूम आउट, जैसे नॉर्मल हो रहा है, अगर फास्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर स्लो करोगे तो धीरे से आएगा, ये ठीक लगता है स्लो, समझ में आ रहा है। अगर फिर तुम इसको लेना चाहते हो ये भी ठीक लग रहा है, अब तुम्हारा वेबसाइट देखो ऐसा दिखेगा, आ गया।
डाउनलोड हुआ? हाँ हो गया। देखो अब यहाँ जाओ 3.9. पर और यहाँ जाओ स्टाइल पे, हम उठ के जाल चल जाएंगे ऐसे करेगा तो तुम हमको पहचानता नहीं अच्छा से, मेरे बैच में को हल्ला नहीं करता है, बोलने का अधिकार मिला तो माथा पर चढ़ के मुँह तो नहीं, फालतू बात नहीं, जो पढ़ रहा है वो पढ़ो पहले, जब करके दिखाना ना तब बाबाई लुटना कि सर देखिए हम कर रहे हैं, ऐसे बाबाई मत लुटो ठीक, फालतू बहस करेगा भगा देंगे, पहले सीखो। यहाँ पर 9 पर क्लिक किए, यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टाइल, और यहाँ चले गए और यहाँ अपलोड फोटो में गए, सेलेक्ट फाइल और डाउनलोड। अब देखो ये फोटो आ गया। अभी सबसे बड़ा ये फोटो में खूबी क्या है पता है, ये विदाउट कॉपीराइट है, बिना कोई टेंशन के, कोई भी तो कॉपीराइट नहीं आता है, तुम किसी का दूसरे का वेबसाइट का फोटो अपने फोटो में डाल लेगा तो जब चाहेगा तब कॉपीराइट दे देगा, यहाँ तक कॉपीराइट ही नहीं देगा, जितना इनकम है वो भी ले सकता है, उपमानहानि का केस भी कर सकता है, सब में यूट्यूब से ज़्यादा होता है वेबसाइट में, दूसरा चैनल बना लेगा वेबसाइट में, तुम किसी यही तो वेबसाइट में तुम किसी कॉपी करके नहीं डाल सकते, तुमको 10,000-12,000 रुपये 15,000-20,000-50,000 रुपये वेबसाइट का दे रहा है कॉपी करने के लिए। बढ़िया कस्टमर है सुनाएगा बहुत, बोले भैया बताइए हम आपको 10,000 रुपया दिए, आप जितना मांगे उतना दिए, आप जो सब चिपका दिए बताइए, और जहाँ वो दूसरा में फोटो देखा तुम्हारा में भी देखा तो सीधे बोलेगा कि ये तो कुछ नहीं किए आप, तो कभी नहीं चेंज कर सकते हैं हम लोग क्या, उसी साइज में वो रहवे करता है फोटो, अगर मान कर चलो साइज नहीं मिल रहा है तो हम बताएंगे अभी साइज कैसे मिलेगा, फिर नीचे आ जाओ, इसका साइज दूसरा रहता है, इसका 433 था, देखिए ना वहाँ पर अबाउट उसके लिए फोटो में वहाँ दिखता था, देखिए कहाँ उसका 1900 पिक्सल था, 25 से 60 उसका 499 था, तो कोई बात नहीं फोटो साइज छोटा कर देते हैं, यहाँ जाओ क्या लिखा हुआ फुल, यहाँ जाना और नहीं है ना, नहीं है फोटो का, ठीक है सिखा देते हैं। अब इसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा कैनवा का, हाँ फोटो क्वालिटी प्रोसेस उसमें कैनवा करेंगे तो, हाँ तो फिर फोटोशॉप का यूज करो तो फोटो का क्वालिटी नहीं गिरेगा, और नहीं तो नहीं तो फिर लंबा लफड़ा तो होगा ही होगा बाबू, ठीक है उसके अलावा कोई उपाय थोड़ी है, मतलब इसके अलावा तुम सोचे को उपाय तो नहीं, फिर कैनवा का यूज करो नहीं तो फोटोशॉप में क्वालिटी नहीं गिरेगा, नहीं तो सबसे बेस्ट है कैनवा यूज करो, हम तो फोटोशॉप का यूज करते हैं, हमको आता है, हमको आता तो जितना है ग्राफिक डिजाइनिंग का लगभग आता है, जितना जरूरत का चीज उतना जानते हैं, कोरल रो कैनवा एलिस्ट्रेटर वीडियो एडिटिंग सब आता है, जितना जरूरत है उतना हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट डिजाइन में चल जाओ, यहाँ से आ जाओ, कितना था 1400 कितना था 996 था जो करना है उसका इसका ऐसे था आ गया। अब यहाँ से आइएगा सर, कहाँ से अपलोड में और अपलोड सेक्शन और ये फोटो ले लीजिए, अब उठा के डाल दीजिए, देखो समझ गए, तो छोटा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम तत्काल के लिए तो कैनवा में थोड़ा सा रेजुलेशन गिरेगा बाबू, और अगर नहीं मान लो हम बता रहे हैं कैनवा में थोड़ा रेजुलेशन गिरेगा, और अगर कैनवा नहीं यूज करना है तो तुम फिर वो यूज करो फोटोशॉप, फोटोशॉप में जितना रेजुलेशन चाहोगे बढ़ा लोगे चाहोगे घटा लोगे, अब यहाँ पर चेंज करिए, यहाँ जाओ
यहाँ ले लो, ठीक है ना। इसे भी इमेज ही है ना। हाँ आ गया। उसी तरह से तुमको चारों में डालना है। अब बोलेगा सर साइज, साइज तो बाबू बताइए देंगे, साइज तुमको बड़ा छोटा कैसे करना है, ठीक है। उसी तरह से तुमको चारों में करना है और उसी तरह से सब नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज करना है। अब तुम लोग का अभी यही है कि अब इसको हमको